नमस्कार दोस्तों, रकबा और बिस्सा को विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। पूरा वीडियो को देखिए। ये रकबा है इस तरह से, ये पहला 0.093 हेक्टेयर, इस तरह से आपके पास जो पर्ची में उसमें लिखा रहता है 0.093 हेक्टेयर। और यदि दशमलव से भी, दशमलव के आगे एक 3 डिजिट से और अधिक है तो 0.1253 हेक्टेयर, इस तरह से है। तो बिस्सा में कैसे बदलेंगे इसको देख लीजिए। पहले हम 1 हेक्टेयर को जानेंगे, इसके बाद में इसको चेंज करेंगे। इंपीरियल सिस्टम में 1 हेक्टेयर बराबर 25 वर्ग जरीब होता है, 25 वर्ग चैन या जरीब, इस तरह से 1 हेक्टेयर बराबर 25 वर्ग जरीब। इसको दुनिया के कई देशों में इसका उपयोग होता है। और इसके बराबर 1,08,900 वर्ग फीट होगा। इंपीरियल सिस्टम में 1,08,900 वर्ग फीट होगा। और यदि 0.001 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 108.9 वर्ग फीट होगा, वर्ग फीट होता है दोस्तों। और यदि मीटर से जानेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर, ये मीटर वाला है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। और 0.001 हेक्टेयर बराबर 10 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर होता है। अब इसको बदलेंगे कैसे देख लीजिए। इसको मीटर में कन्वर्ट कर, मीटर और फुट में कन्वर्ट करने के लिए ये पहला, इसे देख लीजिए, 0.093 गुड़े डायरेक्ट 1,08,900 से गुड़ा कर दीजिए, 1,08,900। देख लीजिए दोस्तों, ये नया है, पूरा वीडियो देखिए। इससे यदि गुणा करेंगे तो इतना हेक्टेयर का वर्ग फीट में जान सकते हैं। गुणा करके देख लीजिए, 10,127.7 वर्ग फीट, 10,127.7 वर्ग फीट होता है। इंपीरियल सिस्टम से निकालेंगे तो इतना होता है दोस्तों, इतना हेक्टेयर का। और यदि दशमलव हटा के जानेंगे तो यहां पर इससे गुणा कर दीजिएगा, 108.9 वर्ग फीट से इसका दशमलव यदि हटा देते हैं तो 93 गुणे 108.9, इसके आगे डबल जीरो कर दीजिए। आगे जीरो करने से कोई बदलाव नहीं होता है। इसको गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा दोस्तों, 10,127.7 वर्ग फीट होता है। इसी तरह ये दशमलव के बाद ज्यादा डिजिट है, इसको जानने के लिए 0.1253, इसको तो डायरेक्ट जो है इसी से मल्टीपल कर दीजिए, 1,08,900
900, 108,900 से गुणा करके देख लीजिए तो ये 13,645.17, ये 13,645.17 वर्ग फीट इतना होता है। अब यदि इससे गुणा करना करेंगे दशमलव हटा के तो कुछ चेंज करना पड़ता है। देख लीजिए दशमलव हटाएंगे तो 1, 2, 5.3 कर दीजिए। हमेशा एंट्री रहता है आपके पर्ची में 3 डिजिट, इसलिए 3 डिजिट के बाद जितना भी डिजिट रहे वो 3 डिजिट के दशमलव लगा के उसको लिख दीजिए दोस्तों। इसके बाद 108.9 से गुणा कीजिए, इससे गुणा करेंगे तो 13,645.17 वर्ग फीट इंसवर आता है दोस्तों। इस तरह से आसानी से बदल सकते हैं। और यदि मीटर में इसको जानना चाहेंगे तो इसको भी देख लीजिए, पहला वाला 0.093 गुणे ये 10,000, ये वाला से 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर से निकालना चाहेंगे तो 10,000 गुणा कर दीजिए बराबर, गुणा करेंगे तो ये 930 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर आता है दोस्तों एंसर। और यदि इसको दशमलव हटा के यदि गुणा करेंगे, दशमलव हटा के यदि गुणा करना चाहेंगे तो 10 वर्ग मीटर से गुणा कर दीजिए, वही होगा 0093 गुणे 10 बराबर 930 वर्ग मीटर, इतना आता है दोस्तों। देख लीजिएगा पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, इसको एक एक करके निकाल के बताया गया है। अब कितना बिस्सा, एक बिस्सा इस बिस्सा से लेंगे, एक बिस्सा बराबर 1361.25 स्क्वायर फीट होता है, वर्ग फीट होता है। अब इसका 10,127.7 वर्ग फीट को यदि जानना चाहेंगे 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10,127.7 बटे 1361.25 बराबर 1361.25, ये 7.44 इस तरह से दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं, बिस्सा में कन्वर्ट करके इसे भी जान सकते हैं। ये 13,645 को भी 1361.25 से डिवाइड करेंगे तो 10.024 बिस्सा आंसर आता है दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।